और आपके पास में वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है और आपके नंबरों का रिचार्ज खत्म हो गया है, तो ऐसे में अगर आप वोडाफोन आइडिया के सस्ते रिचार्जेस प्लान को ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार ऐसे रिचार्जेस प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको लगभग सभी सर्विसेज मिलने वाली है। जैसे कि आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाएंगी, वैलिडिटी मिल जाएगी, इंटरनेट डेटा यूज करने के लिए मिल जाएगा, और ओटीपी आने और एसएमएस को सेंड करने के लिए एसएमएस की सुविधा भी मिल जाएगी। और इनमें से एक जो रिचार्ज प्लान है दोस्तों, वो 100 रुपए से भी कम है। तो कौन से हैं वो रिचार्जेस प्लान, जानने के लिए आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो रिचार्ज प्लान है वोडाफोन आइडिया का, वो है 199 रुपए का। और इस रिचार्ज प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप इस रिचार्ज प्लान को करवाते हैं तो इसके अंदर आपको कॉलिंग करने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा मिलने वाली है। साथ ही साथ पर डे आपको 1 GB इंटरनेट डेटा यूज करने के लिए मिल जाएगा। और इस प्लान के अंदर आपको 100 SMS पर डे मिलने वाले हैं, यानी कि अगर आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराना चाहते हैं तो SMS सेंड करने की सुविधा, प्लस यहां पे अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो OTP रिसीव करने की भी सुविधा मिलने वाली है। इसके बारे में दोस्तों, इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो है 27 दिन की। और इतना ही नहीं, इस प्लान को अगर आप करवाते हैं तो इसके अंदर आपको VI एप्स के जितने भी एंटरटेनिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, जैसे कि VI मूवीज एंड TVs। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप 199 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो इसके ऊपर अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको 2 GB इंटरनेट डेटा एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। मगर दोस्तों, ये जो 2 GB इंटरनेट डेटा आपको मिलेगा उसे आपको यूज करना होगा 3 दिन के अंदर। सो मेक श्योर अगर आप इस रिचार्ज प्लान को करवाते हैं तो इस ऑफर को आपको 3 दिन में कंप्लीट करना होगा, वरना आपका 2 GB इंटरनेट डेटा वेस्ट चला जाएगा। और इसके बाद में वोडाफोन आइडिया का जो अगला रिचार्ज प्लान है वो है 179 रुपीज का। और इस रिचार्ज प्लान में आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो इस प्रकार से है। तो अगर आप इस रिचार्ज प्लान को करवाते हैं तो इसके अंदर भी आपको कॉलिंग करने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा मिल जाती है, और केवल इसके अंदर आपको 2 GB इंटरनेट डेटा ही मिलने वाला है। और इसी के साथ में केवल यहाँ पे आपको 300 SMS की सुविधा मिलने वाली है, और इस प्लान की जो वैलिडिटी है वो है 28 दिन की। इसी के साथ में दोस्तों, यहाँ पे आपको VI एप्स के जितने भी सब्सक्रिप्शन है, VI मूवीज एंड TV शो वगैरह यहाँ पे आप देख सकेंगे। मगर दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि आप नीचे देख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आपको 2 GB इंटरनेट डेटा मिलने वाला है, अगर आप उसे 1 दिन में या फिर 28 दिन में यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 50 पैसा पर MB देना होगा। और यहाँ पे जो आपको 300 SMS की सुविधा दी गई है, अगर आप उसे यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 1 रुपये लोकल के लिए और 1.5 रुपये इंटरनेशनली SMS सेंड करने के लिए देना होगा। अगला जो रिचार्ज प्लान है दोस्तों, वो है 155 रुपये का। और ये रिचार्ज प्लान उन लोगों के लिए है जो कि वोडाफोन आइडिया को एज ए सेकेंडरी सिम कार्ड यूज करते हैं, यानी कि अगर वो अपने वोडाफोन आइडिया नंबर को बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो ये रिचार्ज प्लान उनके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, इस रिचार्ज प्लान में आपको सारी सर्विसेज मिलने वाली है जो कि इस प्रकार से है। तो अगर आप इस रिचार्ज प्लान को करवाते हैं तो इसके अंदर भी आपको कॉलिंग करने के लिए अनलिमिटेड कॉल्स की सुविधा मिल जाती है, इंटरनेट डेटा यूज करने के लिए आपको 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिल जाता है, और इसके अंदर आपको SMS सेंड करने के लिए या फिर OTP रिसीव करने की भी सुविधा मिल जाती है। 300 SMS की सुविधा इसके अंदर आपको मिलने वाली है, और इस प्लान की जो वैलिडिटी है दोस्तों, वो है पूरे 28 दिन की। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 2 GB इंटरनेट डेटा यूज कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको 50 पैसा पर MB देना होगा, और अगर आप यहाँ पे 300 SMS यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 1 रुपये लोकल के लिए और 1.5 रुपये इंटरनेशनली SMS सेंड करने के लिए लगने वाले हैं। और अब दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान जो कि है 99 रुपीज का, यानी कि 100 रुपए से भी कम का। इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप 99 रुपीज का रिचार्ज करवाते हैं तो इसके अंदर आपको 99 रुपीज का टॉक टाइम बैलेंस मिल जाता है, जिसे आप यूज कर सकते हैं बातचीत वगैरह करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको 200 MB इंटरनेट डेटा मिलने वाला है जिसे आप यूज कर सकेंगे, और यहाँ पे आपको कोई भी SMS की सुविधा नहीं मिलने वाली है। और इस प्लान की जो वैलिडिटी है दोस्तों, वो भी पूरे 28 दिन की ही होने वाली है। तो ये प्लान जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि यानी कि SMS नहीं पाना चाहते हैं मगर अपने सिम कार्ड को यहाँ पे चालू रखना चाहते हैं, तो ऐसे में वो 99 रुपीज रिचार्ज प्लान के साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने वोडाफोन आइडिया के 4 सबसे सस्ते रिचार्जेस प्लान के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा रिचार्ज प्लान आपको पसंद आया है और आप कौन से रिचार्ज प्लान के साथ में जाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और साथ ही कैसी लगी आपको ये वीडियो ये भी बताना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो पे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।